नमस्कार, मैं अंकुना विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिला मुख्यालय के सामुदायिक भवन में गुरु नानक देव जयंती के दौरान 550वें प्रकाश उत्सव पर्व पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वही धार्मिक संगीत कार्यक्रम के दौरान उपस्थित भक्तगणों ने नाचते गाते हुए जमकर संगीत का लुत्फ उठाया। इस दौरान हजारों की संख्या में भक्तगण कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित होकर गुरुवाणी सुनने के बाद भाव विभोर होते हुए गुरुदेव के सामने नतमस्त हुए। गुरुवाणी कार्यक्रम पर कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय सिंह, जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा, भाजपा विधायक शिव नारायण सिंह, भाजपा नेता मिथिलेश मिश्रा एवं सिंधु समाज के अध्यक्ष शंभूलाल खट्टर सहित कांग्रेस एवं भाजपा पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक एवं सिंधु समाज के सभी गणमान्य लोग उपस्थित हुए। वही सामुदायिक भवन एवं सिंधु मंदिर में विशाल भंडारा प्रसाद का आयोजन किया गया, जहां सभी समुदाय के हजारों लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं गुरु नानक देव जयंती के अवसर पर सिंधु समाज के अध्यक्ष शंभूलाल खट्टर के द्वारा कार्यक्रम में आए हुए भक्त अतिथियों का सम्मान किया गया। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। जगत गुरु नानक, सतगुरु नानक प्रकटिया, मिट्टी धुंध जग चारण होया, अजो मैदान में जिक्र खुशी जो इंतजार में हो सभी। साची दरबार साहेब के जय, गुरु नानक साहेब का जन्म तलवंती शहर में रात को आकाश से पहले देवतानों का हाथ पर भगवान आए तो प्रकाश हो गए, प्रकाश हो गया और घंटा खड़ा और तरह बचने लगा, सब साथ बचने लगा। प्रतिज्ञा देता हूँ जय जय पुकार दे, सब गुरु नानक को प्रकट, गुरु नानक को प्रकट हुआ, मिट्टी धुंध जग चानन होया, चानन मन रोशनाई हो गई। जग में जब पाप बढ़ गया था, सब गुरु नानक आके अवतार लिया, गुरु नानक जग पर घट हुआ, मिट्टी धुंध जग चानन होया, माना अंधकार मिट गया और प्रकाश हो गया, प्रकाश हो नानक। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और बलिदान का दिन है। जहाँ तक प्रकाश पर्व की बात है, ये सिख समुदाय का महत्वपूर्ण त्योहार है और ऐसा माना जाता है कि सिख समुदाय के जो पंचरत्न थे उन्होंने ये कहा था, चिड़िया संग बाज रहा हूँ ता मैं गुरु नानक धन कहूँ। दूसरी बात, ये बलिदान यानी देश सेवा और समाज सेवा का एक अभूतपूर्व उदाहरण है। हमारे उत्तर प्रदेश नॉर्थ इंडिया में कार्तिक पूर्णिमा का आज पूर्ण दिन है। सब लोग गंगा का स्नान करते हैं, पवित्र नदियों का स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं और गुरु नानक जयंती है, इसको भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उमरिया में सिंध समुदाय द्वारा और आम जनता ने शरीक होकर के जो है गुरु नानक जयंती मनाई है। जिले वासियों को गुरु नानक साहेब की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। गुरु जी का जो संदेश है, समाज को समरसता की ओर बढ़ाना, शिक्षा के माध्यम से समाज को आगे ले जाना, ये गुरुदेव जी के ग्रंथों में लिखा है। ग्रंथों के अनुसार हम सबको ग्रंथ के माध्यम से प्रेरणा लेना चाहिए और समाज को समरसता की ओर आगे बढ़ाना चाहिए। आज ही जयंती शुभ अवसर पर गुरु जी के संदेश मिलती है। हम सब एक बार ये बात जानना है।
जी की आज 550वीं गुरु नानक जयंती की जयंती है। मैं पूरे नगरवासियों को, पूरे शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और गुरुद्वारा की ओर से प्रार्थना करता हूं कि सभी प्रसन्न चित्त रहें, सुखमय उनका जीवन रहो, हमेशा खुशहाल रहें। यही मेरी और पूरे समाज को, पूरे शहर को गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत बधाई। और मुझे जो 30 साल काम करने का अवसर प्राप्त हुआ उसके लिए मैं बहुत बहुत समाज का आभार व्यक्त करता हूँ।